फ्रेंड्स, आज मैं आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताऊं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उनको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या समानांतर हो उनको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज का ही मैं आपको क्षेत्रफल बताना चाह रही हूँ, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समानांतर होती है। इसलिए आमने सामने की भुजाएं जो समानांतर होती है वो एक समानांतर चतुर्भुज होती है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना क्या होती है ऊंचाई, क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई होती है, जैसे कि आधार होगा तो ऊंचाई होगी, आधार गुना ऊंचाई क्या होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इसलिए कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि एक आयत जो होती है एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार एवं एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य जो है स्थित होती है। क्या होते हैं कि एक आयत जो होगी बनी हुई वो किसके और समानांतर चतुर्भुज क्या होगी एक ही आधार पर होती है और एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य जो है वो स्थित होती है। इसलिए इसको तभी हम कहते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसकी उदाहरण मैंने दी है कि अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हो तो हम उसकी कुछ भी आधार या उसकी ऊंचाई जो है किसी की भी निकाल सकते हैं, चाहे आयत का निकालनी हो आयत की निकाल सकते हैं, अगर समानांतर चतुर्भुज की निकालनी हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दी है, इसमें मैंने एग्जांपल में समानांतर चतुर्भुज का क्या लिया क्षेत्रफल लिया। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई ये ऊंचाई है जो चाहे कितनी है 8 सेंटीमीटर है तो आयत का आधार क्या, आयत का आधार क्या होगा उसकी लंबाई होगी, आयत का आधार क्या होगा उसकी लंबाई होगी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए जो है इसका आधार क्या होगा जो लंबाई होगी वही इसका आधार होगा। इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई जो है किसके बराबर दे रखी है उसने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर की, कितने दे रखी है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और उसकी ऊंचाई क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई होगी वो उसकी चौड़ाई होगी। ऊंचाई का मतलब क्या होता है जो उसकी आयत की क्या होगी चौड़ाई होगी वो ही उसकी जो है लंबाई आधार ऊंचाई होगी। इसलिए जो है लंबाई गुना चौड़ाई जो बराबर होगी 84 सेंटीमीटर के, उसने हमें ऊंचाई दे रखी थी इसलिए मैं चौड़ाई की जगह दे रखी, इसकी लंबाई जो होगी वो हम निकाल लेंगे जो इधर मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, इसलिए जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए जो लंबाई है वो आधार के बराबर होती है, लंबाई को हम आधार भी बोल सकते हैं। इसलिए जो है हमने क्या निकालना था आधार क्या करना था, आधार प्राप्त हो गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। देखिए आपको समझ में आ गया होगा।